अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उत्साह का दोस्त है जो आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइड बार। इस वक्त अबाउ मोटर के मेन एड्रेस के बिल्कुल ही बाहर मौजूद हैं। मेरे अकब पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे फैमिली के लिए खूबसूरत गाड़ियां आई हुई हैं और है भी चारों की चारों डिफरेंट कलर में। तो जिसको जो पसंद हो तो वो भाई का नंबर हम आपको लेकर देते हैं। तो इंतजामिया के जो मेन मेम्बर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? सर मार्केट इतनी ठंडी क्यों हुई पड़ी है? कस्टमर हमें तकरीबन पहले जब फिर भी कुछ देखने को मिलता था, अब तो तकरीबन वो ना होने के बराबर हुआ पड़ा हुआ है। बिल्कुल, आज तो जनाब मैं भी देख रहा हूँ ये खड़ा था कि बिल्कुल मंडी में ना जो मंदा काम पड़ा हुआ है। उसकी क्या खास वजह है? खास वजह यही है कि ये इनके रेट्स की कुछ समझ नहीं आती, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी कुछ लोग ज़्यादा मांगना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 28/3 एवरी ऑटो में, ठीक है। तो इसने पैसे कितने लिख दिए, 24.50। हालांकि इसकी प्राइस नीचे होनी चाहिए। अब कस्टमर डबल माइंड हो जाता है कि पता नहीं कल को इसका रेट कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल यही हाई बनी हुई है कि प्राइस जो है ना गाड़ियों की बहुत ज्यादा नीचे आई हुई है, लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं तो वो ना होने के बराबर उसकी उल्टी है देखने को मिलता है। इधर नहीं है ये, जो आप राइड पर गाड़ी यहाँ से निकलवाएंगे वहाँ पे जो हो सकता है कुछ रेट्स में फर्क आ जाए, लेकिन इधर जो मार्केट में जो अवेलेबल चीजें हैं ना रेट्स वो ये समानों पे है। अगर कोई बंदा कम मांगने को तैयार नहीं, ऐसे ही है, लेकिन डिमांड ज्यादा कर देते हैं। लेकिन जब कोई बंदा डील करने के लिए आता है तब वो प्राइस भी नीचे फेंक देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? अभी जैसे ये 24,000 कर रहे हैं, अगर कोई बंदा आया वो कह रहा है मैंने भाई 22 की लेनी है, तब ये तकरीबन 22.5 चाहिए, इतने में डील बना भी लेंगे। बस यही है ना कि जहाँ पे कोई बंदा अड़ जाए बस छक्का लगा देते हैं। तो फिर ये डील रेट ज्यादा करने की क्या वजह बनती है? इस चीज की अभी तक मुझे मार्केट में समझ नहीं आई है, क्योंकि मार्केट चलो ठीक है कोई बंदा 30-50 इतनी कमी हो सके। हम लोग कई लोगों को यही बात करते हैं, वो पता क्या कहते हैं सादा से अल्फाज, वो कहते हैं कस्टमर और अल्लाह मियां से ज्यादा मांगना चाहिए। ये तो मैं तो यही समझता हूँ, किसी को 1,00,000 बच जाता है फिर भी वो बेच देता है, किसी को 1,50,000 बचता है फिर भी दे देता है, 50 पे भी खेल जाते हैं। ऐसी ही बात है, ये ज्यादा मांगने का सलूशन ये है जहाँ पे कोई अड़ जाए ताकि ज्यादा नीचे हम आए, अगले भी खुश हो गए भाई हमें अच्छी खासी कमी हुई है। तो जरा हमारे साथ मोटर वालों का नंबर शेयर करते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो गाड़ी में मदद। आप इनका जो मलक सगीर साहब हमारे ओनर हैं उनका नंबर है 0300 और 2640-27-08 उनका नंबर है जी, जिनको जो गाड़ी चाहिए अवेलेबल, उनका नंबर 24 घंटे होता है मलक। तो ये जाहिर है मोटर वालों का हक बनता है कि जब आपने डील बनवाई है तो 1% आप लेते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमें मोटर वाले हमारे साथ ऐड ना हो, हम कोई सेपरेट बाइक ना कोई डील कर लें, तो उसका नुकसान क्या है? क्योंकि मार्केट में मुझे और आपको तो पता है, लेकिन लोग इस वजह इस चीज़ को नहीं समझते कि कागजों का बाद में क्या रोला बनता है, क्या चीज़ा। मैंने ये बहुत ज्यादा ऐसे देखे हैं काम जो गाड़ियां बाहर लोग करते हैं सौदे, ये इधर बाहर हमारा बड़ा इलाका बड़ा है, हमें नहीं समझ आती है, तो लोग बाहर ले जाते हैं लेकिन इनके कागजात में कमी बेशी आ जाती है, बहुत जबरदस्त आती है, बड़ा जलील होना पड़ता है, उसमें बायोमेट्रिक का बड़ा इशू आता है। बात है लोग फिर पीछे पीछे लगाते हैं, देते नहीं है, बाद में 2 साल बाद वही गाड़ी जलील होकर वापस आ जाती है, उसमें फिर कमी हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। ऐसे ये चीज़ है, जब भी आप लें शोरूम के थ्रू लें ताकि इनकी जिम्मेदारी हो जाती है, ये सारा कुछ आपको ओके करके देंगे, ऐसे ही सारी जिम्मेदारी इनकी। 5-10,000 भर लें वो अच्छी बात है, 20 साल लगाना है वहाँ, 15-20 लाख भी जाए तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, उसकी बजाय आपका 20 लाख तो सेव रहता है, बंदा सेव हो जाता है, दोनों ही सेव हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी आपका, मेहरबानी। नादनी हमारे पास अब ये एक सुजुकी एवरी आई हुई है ऑटो ट्रांसमिशन में है, तो बाकी इसकी आप फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा सुजुकी एवरी को ही पसंद किया जाता है बनिस्बत ये निसान क्लिपर या मज़दा वगैरह के, जस्ट लोगों का ही डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग है तीनों की सुजुकी की ही है, लेकिन आप इसके इंटीरियर गाड़ी के लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, LCD इंस्टॉल है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, इंटीरियर आपको इसका बहुत ही सस्पिशियस लुक दे रहा है, डोर इसके जो थे वो मैनुअल में है, इसीलिए इस गाड़ी को सादा कहा जा रहा है। बाकी टायर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, जो कि ब्रांड न्यू अलॉय व्हील नहीं, जो सिंपल व्हील कैप है, और डिमांड इस गाड़ी की जो की जा रही है तकरीबन 24-50 है, तो ज़ाहिर है मज़ीद कमी होगी। तो अब हमारे पास ये एक और सुजुकी एवरी आई हुई है सेल होने के लिए, 2006 का मॉडल है और 12 की रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी गाड़ी है? तो बहुत ही प्यारे कलर में है, आपको पता है हमें ज़्यादातर सिल्वर और वाइट में ही देखने को मिलती है, लोग ज़्यादातर जिस गाड़ी को पसंद करते हैं वो वाइट कलर है। तो बाकी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन में LCD इंस्टॉल है, फ्रंट के जो से डोर हैं वो बल्कि चारों विंडोज इसकी पावर है,
बाकी सीटें मेरा चेक कर देते हैं, बैक की सीट जो थी वो फोल्डेबल हैं, इन्हें फोल्ड करके अच्छी खासी स्पेस बनाई जा सकती है। ब्रांड न्यू टायर हैं, अलॉय व्हील भी मौजूद हैं। बाकी आप इसकी बैक से प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सुजुकी एवरी। तो अब हमारे पास ये एक और बहुत ही प्यारे कलर में, जिसे मुंगिया कलर भी कहा जाता है, सुजुकी एवरी है, 2021 का मॉडल है और 23 की इस गाड़ी को इंपोर्ट और 23 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है और डिमांड जो इस गाड़ी की जा रही है वो तकरीबन 32,75,000 रुपये है। क्या बात है भाई रेटों की। तो बाकी आप ये साइड से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है, ना कोई दब है, ना कोई डेंट है, जेन्युइन स्मेलने तक मौजूद है, ऑटो ट्रांसमिशन में है। और आपको बताया जिन्होंने फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी लेनी हो वो ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी को ढूंढ रहे होते हैं, और जिन्होंने रेंट पर यूज़ करनी है वो मैनुअल में, क्योंकि मैनुअल में ज़रा एवरेज अच्छी मिल जाती है। कब्जे वगैरह चेक कर लें, कोई रस्ट नहीं है, ना कोई फेड है, ना कोई रस्ट है। बाकी ये फ्रंट आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तब हमारे पास ये एक इधर फागा एवरी डब्बा आया हुआ सेल होने के लिए, ये भी तकरीबन डेढ़ दो हफ्तों से हमें इधर ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। 2016 का मॉडल है और 7,35,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है। बाकी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। एवरेज ये बहुत अच्छी देता है, बस इसके स्पेयर पार्ट्स का इशू है क्योंकि चाइना का, तो इस वजह से लोग इसे कम पसंद करते हैं और इसी वजह से इसकी प्राइस भी अच्छी खासी कम होती है बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के। ब्रांड न्यू टायर हैं, अलॉय व्हील इसे भी मौजूद हैं, बैक से आप इस गाड़ी की जो थी वो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास अब ये कल्टस आई हुई है सेल होने के लिए, तो इस गाड़ी का भी आपको ओवरव्यू देते चलते हैं, कुछ एवरेज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर अपना? कदीर साहब, कल्टस लेकर आए हैं। कल्टस 2014 मॉडल है, ठीक। पावर स्टीयरिंग है इसका, अलॉय व्हील है, रिम टायर है, और बॉडी वाइज कितनी जेन्युइन है? कुछ टचिंग है, कुछ जेन्युइन है, इस तरह ही है। मतलब है 70% जेन्युइन? हां कह सकते हैं। तो मैकेनिकली बिल्कुल ओके है? मैकेनिकली ओके है। तो डिमांड क्या कर रहे हैं इस गाड़ी की? डिमांड इसकी 12.5 लाख हो जाता है। 12.5 लाख। तो मार्केट में कोई बंदा आया रेट वगैरह लगा के आपकी गाड़ी का? तकरीबन 12 के आगे। तो लेकिन आपका फाइनल माइंड कहाँ तक कि यार मैंने ये गाड़ी इस प्राइस के नीचे नहीं सेल करनी? फाइनल यार आजकल तो थोड़ी मार्केट इस तरह ही है, कोई तो फाइनल जो है ना 12.25। मतलब वैसे करीब रेट लग गया हुआ है, मैं इसीलिए डील बन सकती है। तो सर अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे, भाई इंटरेस्ट रखता तो आप जी 3217 4700। बहुत शुक्रिया जी। और इसमें ये क्वालिटी भी है ना गाड़ी में, पावर स्टीयरिंग किया हुआ है, इसमें भी 20-25 हज़ार खर्चा आता है, अलॉय व्हील दिखाएं जरा नीचे या फिर मार्केट आपने कुछ इंस्टॉल करवाए हैं? जी मतलब बाय जस्ट बाय एंड ड्राइव है, खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी नादिर अगर भाई इस गाड़ी के मुतालिक फर्दर डिटेल लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। तो इधर हमारे पास और भी गाड़ियाँ आई हुई हैं तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं। तो ये एक और सुजुकी एवरी मौजूद है, तो भाई मौजूद हैं लेकिन वो फ़िलहाल बिजी हैं। तो अब हमें ज़्यादा देर मिलते हैं साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।